फैरोजवाला में डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। वंडियाला दयाल शाह पुलिस चौकी के करीब दो डाकू मोबाइल शॉप से असलहे के जोर पर दुकानदार से लाखों रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज पब्लिक न्यूज ने हासिल कर ली। शहरियों का कहना है कि इतला देने पर भी पुलिस मौका पर ना पहुंच सकी। इसी हवाले से जान लेते हैं तारिक भट्ट से, ये तारिक बताइएगा। ये बिल्कुल डकैती की यह बड़ी वारदात थाना फिरोजवाला की पुलिस चौकी वंडाला दयालशाह से चंद सौ गज के फासले पर वंडाला पुरी पर वाकया एक मोबाइल शॉप पर हुई, जहां दो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने डाकुओं ने असला के तौर पर दुकान में घुसकर दुकान पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड समेत दो खवातीन और मर्दों को यर्गमाल बनाकर दुकान में लूटमार शुरू कर दी। डाकू दिन दहाड़े दुकान में असला समेत घुसे और मोबाइल शॉप से 10 लाख रुपए नकदी और 3 लाख सोती राह लूटकर शदीद हवाई फायरिंग करते हुए जैव कुआ से पुलिस चौकी वंडाला दयालशाह की जानब फरार हो गए। दोनों डाकुओं ने बाआसानी दुकान में मौजूद अफराद को यर्गमाल बनाकर लूटमार की और बाआसानी फरार होने में कामयाब हुए, जबकि अपनी जमा पूंजी लूटने के बाद दुकानदार पुलिस इमदाद के लिए 15 पर बार बार काले करता रहा, मगर पुलिस चौकी मंडाला दयालशाह के इंचार्ज एहलकार बेखबर सोते रहे। दुकानदार ने नामालूम डाकुओं के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त दे दी, जबकि अहल इलाका ने मंडाला दयालशाह में इतनी बड़ी डकैती दिन दिहाड़े होने के बाद करीबी पुलिस चौकी मंडाला दयालशाह की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। जी बहुत शुक्रिया, आप तफसील आगाह कर रहे थे तारिक।